आज विधानसभा में पहली बार सीएम योगी और अखिलेश यादव ने मिलकर सदन को संबोधित किया। 18वीं विधानसभा के फ्लोर पर पक्ष और विपक्ष के हर नेता ने स्पीकर का स्वागत करते हुए दिलचस्प बातें कही, लेकिन सबकी नजरें सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच नपे तुले शब्दों में रहे, शब्द बाण पर टिकी रही। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी मिसाइल की खास तौर पर चर्चा की। उनका मतलब चुनाव प्रचार के दौरान हुए तीखे वार पलटवार से था। सीएम योगी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दो पहिए की तरह हैं और लोकतंत्र का रथ दोनों के साथ चलने से ही आगे बढ़ता है। विधानसभा में सीएम योगी को याद आई चुनावी मिसाइल। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का चुभने वाला तंज। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती। सपा पर सीएम योगी का सधा हुआ हमला। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। सीएम योगी के दावों पर अखिलेश का तीखा पलटवार। और पिछली सरकार में मुझे उस सरकार को भी नेतृत्व देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 360,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी खातन पर उतारने का कार्य करना था। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में जो योगदान दिया गया। अध्यक्ष जी, आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करते, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात पे यकीन मान जाए। सीएम योगी की नसीहत अखिलेश का राइट वाला निशाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के संविधान का सहभागी बनता है, तो एक और एक दो नहीं होता, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोग। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं, वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है, तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय उनका नाम मालूम हो तो बता दिए, शुरू से आसानी हो जाएगी आवाज। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मिसाइल, स्माइल और लेफ्ट राइट, योगी अखिलेश में अदृश्य आर पार। बात तो चुभेगी।